perfect harmony. हेलो एवरीवन, तो नेट ब्लॉग्स के इस एपिसोड में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। मैं हूं संकेत, तो मुझे ज्वाइन किया है आज सोहेल भाई ने। हेलो सोहेल भाई, जो है होटल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ यहां पे साविर भाई भी है, और आज हम आपको लेके आए हैं नवी मुंबई के मोस्ट इंस्टाग्रामेबल कैफे में, पनाश कैफे। तो यहाँ का सोहेल भाई, आपको क्या लगता है हम क्या चीज़ ट्राई करने वाले हैं? क्योंकि आर्टिसनल कॉफ़ी, स्पेशलिटी कॉफ़ीज अमेजिंग है, बाद में इनका खाना भी अमेजिंग है। बिल्कुल, तो स्पेशलिटी कॉफ़ीज हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग सिज़लर एंड रैप्स भी ट्राई करने वाले हैं। मुझे तो हमेशा की तरह बहुत भूख लगी है, तो चलिए शुरू करते हैं। Manager of the Panash Cafe, Mr. Pushkar is here with us. Thank you very much, sir, for hosting us. What will be the special coffee we'll be trying us today? We tried a siphon, we tried a Chemex, Corovo, and then a Mocha Pot. Amazing. So, बहुत बढ़िया lineup है coffees का यहाँ पे, साथ में sizzlers और भी dishes आपको देखेंगी. But फिलहाल, I think my taste buds are craving for coffee. So let's roll into coffee. Sure. Thank you. तो जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी कॉफ़ी ब्रू हो रही है। बीइंग अ टी लवर बट स्टिल टेस्टिंग ऑथेंटिक एंड यूनिक कॉफ़ी इज लिटरली गुड एक्सपीरियंस, सो विल डेफिनेटली ट्राई दिस। और अभी आपको दिखाते हैं थोड़े सिनेमैटिक वे में। अब हम ट्राई कर रहे हैं कोल्ड ब्रू, लेट्स ट्राई इट आउट। भाई सच्ची बोल रहा हूँ, इसमें लेजिट कैफीन हिट मिल गया है। अब मैं रात भर जाग सकता हूँ। अगर आप लो फील कर रहे हो, स्ट्रेस आउट हो, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, यू शुड कम एंड ट्राई दिस कोल्ड ब्रू कैफे। एनर्जी भाई प्रो लेवल पे आ जाती है। अभी आप देख रहे हो मैं एकदम मायूस सा था, बट लिटरली अब ऐसा लग रहा है ना मैं और 4 घंटे भी वीडियो बना सकता हूँ। सो आफ्टर ट्राइंग कोल्ड ब्रू हम जंप करते हैं मोका शॉट पे, जो कि हॉट कॉफ़ी होती है, और इसका फिल्टरेशन भी बहुत ही फाइन होता है। इस वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि फिल्टरेशन फाइनिंग कितना अच्छे से हॉट वाटर के साथ और इसके अंदर एयर टाइट के साथ पूरा वीडियो निकाला गया। तो ये कैसा लग रहा था वो मोका शॉट का? बहुत मस्त कैफीन, मतलब ऐसा आप यहाँ पे बेसिकली इनकी जो हाउस ब्रांड्स हैं वो कॉफ़ीज में यूज़ होता है। और अगर आप कॉफ़ी पर्सन हो तो आपको पता होगा अरेबिका और रोबस्टा में कितना डिफरेंस होता है। सो 100% अरेबिका यूज़ हुआ है इसके अंदर, और डिफरेंट मेथड्स हैं। सो
आप आइए, आपको अगर लाइव टेबल पे आपको ब्रीविंग करके मिलेगा, सो प्लीज डू विजिट पनाश कैफे। इट्स टाइम फॉर फूड रिव्यू। हम आ चुके हैं बनाश कैफे में, आप सभी को पता है। सो कॉफ़ी के बाद हमें यहाँ पे फूड है, फूड में स्नैक्स आइटम है। तो सोहेल, क्या हम ट्राई करने वाले आज? ये है पनीर रैप, ये है चिकन रैप, और साबिर ये क्या है? ये है हमारे पास वेज सीजनर, जो कि बहुत ही यूनिक है बनाश कैफे का वेज सीजनर हमारे पास, और देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा है। और इसमें तीन यूनिक चीज़ें हैं, वेज पनीर पैटी जो कि बहुत ही क्रिस्पी है, और मैक्सिकन राइस, सौते वेजिटेबल्स हैं, और उसके साथ पेपरिका सॉस हमें दिया गया है। नॉनवेज रैप में हमारे पास है तंदूरी रैप, तंदूरी चिकन रैप। सो इसके साथ हमें टोमेटो सॉस है, इसका कॉम्बिनेशन आई गेस टेस्ट करके देखते हैं। टोमेटो सॉस के साथ जो तंदूरी रैप का कॉम्बिनेशन बैठा है ना, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग है। और इसका जो रैप का जो रोटी है, रुमाली रोटी जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही अलग फ्लेवर दे रहा है। और तंदूरी फ्रेश चिकन लग रहा है, फ्रेश चिकन है, मसाला है, बहुत ही अलग है, मीडियम स्पाइसी है, टू गुड टू गुड। पनीर बहुत सॉफ्ट है, बहुत अमेजिंग है। मतलब पनीर रैप मैंने बहुत खाया है, बट ऐसा पनीर रैप नहीं खाया, वेरी अमेजिंग। और मैं केचप का फैन नहीं हूँ, इसीलिए केचप नहीं ले रहा नॉर्मली। अभी मैं बहुत ही बढ़िया रैप टेस्ट करने के बाद, मेरे ख्याल से अभी हमें जंप इन कर लेना चाहिए है ना, इसकी खूबी है। तो व्हाट विल डू इज, एक तेरा एक मेरा पैटी को हमें पेपरिका सॉस के साथ टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रनिंग सॉसेस ओवर हियर। मैंने ट्राई किया हुआ है चीज़ें, लाइक पकौड़े ट्राई किए, पनीर के पकौड़े ट्राई किए, बट वैसा फीलिंग आ रहा है इसमें, बट क्रिस्पीनेस जो दिया है ना इसके अंदर, और जो स्पाइसी टेस्ट है बहुत ही यूनिक है, बहुत अलग है। और सिजलर में मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा, सिजलर मैंने बहुत जगह खाया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिजलर बहुत जगह पर मिलता है, बट दिस टाइप ऑफ विथ थ्री यूनिक डिशेज यू विल बी गेटिंग ओनली एट पनाश कैफे। सो पेपरिका सॉस तो बेहतर उमदा लग ही रहा है, लेकिन उसके साथ अगर टोमेटो केचप भी और भी ज़्यादा बेटर टेस्ट करेगा इसके साथ। साबिर भाई को आदत होगी, हर जगह जाएंगे तो फ्यूजन तो करना ही, फ्यूजन करना ही, बिकॉज कॉम्बिनेशन। आई से गिव इट अ ट्राई, अपने पास सॉस भी है, ठीक है, तो हम चेक करते हैं। मेरा जहाँ तक के मैं इतना फूडी हूँ, मेरे को जहाँ तक के लग रहा है कि केचप के साथ ना बहुत ही अलग लगने वाला है भाई, बहुत लेवल का अप होने वाला है, देख लो भाई। बात तो सही है भाई, क्या बोला था मैंने, बात तो सही है। सो अब हम ना यहाँ पे बोलने वाले, हमें ये भी दे दो और इसके साथ हमें ये भी दे दो, दोनों दे दो। नेट ब्लॉग्स की तरफ से एक रिकमेंडेशन रहने वाला है, इनके अगर आप आते हो यहाँ पे और पनीर पैटी ट्राई करते हो, ये तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है, बिकॉज दिस इज स्पाइसी मेयोनीज और पेपरिका सॉस बेस्ट है इसके साथ, प्लस एक थोड़ा यूनिक टेस्ट के लिए टोमेटो केचप मांग लेना, कुछ नहीं दे देंगे। मैक्सिकन राइस के साथ हमें, हमारे पास है सौतेज वेजीज, सो यहाँ पे सौतेज वेजीज में हमें दिए हैं जुकिनी है, कैरेट है, कैप्सिकम है, और बेबी कॉर्न्स है, सो डिफरेंट वराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स वी हैव। और डिश के साथ जो सिजलर के साथ कॉम्बिनेशन जो तीनों का बैठ रहा है, बहुत ही पैटी में पनीर पैटी हो गया जिसमें क्रिस्पी आ जाएगा, राइस आ जाएगा जो कि मेन कोर्स वाला आइटम कह सकते हैं ऊपर, एंड देन एज इन लाइक सैलड टाइप में कोई अगर खा रहा है सैलड वगैरह, एक सिजलर में एक इंसान का पेट ऑब्वियसली भर जाएगा। तो अगर मैं स्नैक्स में कुछ रिकमेंड करूँगा तो वो रहेगा क्लब सैंडविच, क्योंकि इसमें भाई कितने लेयर्स हैं, एक दो तीन दिख रहे हैं, तीन लेयर्स हैं इसमें। फर्स्ट लेयर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टमाटो है, ऑनियन है, कुकुम्बर है और लेटिव्स है। सेकंड लेयर में हमें दिख रहा है चीज़, पनीर का स्लाइस है उसमें, और ठीक है पनीर में कुछ कंजूसी नहीं की गई है, बिल्कुल भर भर के दिल खुश, यहाँ पे आओगे दिल खुश खाना ही मिलेगा आपको। सो लेट्स ट्राई दिस सॉस, अगर आप देखेंगे ठीक से एकदम स्मूथ और अच्छा ग्रिल किया हुआ है, ब्रेड को ज़्यादा कड़क नहीं किया है। तो सोहेल भाई का भी इंस्टाग्राम पे फूडी पेज है, अगर आप वहाँ पे भी फॉलो करते हो तो बहुत ही बेहतर आपको खाना वगैरह मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े बढ़िया से आउटलेट्स आपको नजर आएंगे। भाई पेज का नाम आपके फूडी इन द हाउस, डू चेकआउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये था हमारा आज का दिन सैंडविच में खत्म करते हुए, बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। तो अगर आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस में अगर शोकेस होना है और बहुत बढ़िया आपके पास रिकमेंड्स भी रहेंगे अपने सिटीज एरियाज में, तो कमेंट डाउन बिलो, और लोकेशन इस कैफे का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, ये था हमारा आज का दिन पनाश कैफे में एट फीलापुर। आज अब तक जितना भी हमने वीडियो देखा यार, इन सब ने बहुत हेल्प किया, बहुत ही प्यारा और बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ है यहाँ का।
मैनेजर का स्पेशली मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने डिटेलिंग में हमें बताया कि कॉफी कैसे बनती है, और ये जो दिख रहे हो आप इतनी एनर्जी, ऑब्वियसली यहाँ के कॉफी की एनर्जी है। सुबह से हम आए थे जहाँ पे शूट वगैरह किया है हमने, बहुत ही मजा आया। हैंड्स अप टू पराश कैफे, टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और पराश कैफे का आपको इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में अगर लोकेशन भी मिलेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, सो डू कॉन्टैक्ट फॉर बर्थडे पार्टीज एंड एवरीथिंग। Bring your family over here, bring your friends over here, and have a good time. So thank you everyone. Thank you.